आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप निश्चित रूप से सो रहे होंगे। कुछ लोग जो दीवाने हैं यूपीएससी के वो पहले जाग रहे हो, या फुटबॉल के दीवाने हैं वही जाग रहे होंगे। खैर, खाड़ी देश कतर में जो तूफान मचा हुआ था, महाकुंभ वहां लगा हुआ था फुटबॉल प्रेमियों का, और उसका एक शानदार विदाई हुई है। यूरोप की सशक्त टीमों में से एक फ्रांस और पेंटागोनिया के पठार पंपा से घिरे हुए देश जिसे कहते हैं अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच कतर में फाइनल हुआ और वो फीफा पुरुष विश्व कप का। और इसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को रौंदते हुए नई बादशाहत हामिल की है और उसके नायक बने हैं लियोनल मेसी। और लियोनल मेसी का चूंकि ये आखिरी विश्व कप था, उनकी शानदार विदाई थी। 10वें नंबर की टी शर्ट को लेकर के जो लियोनल मेसी मैदान में उतरे थे, और उनकी जब ये जीत देखी तो उनकी माँ फील्ड में आ गई और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये शानदार विदाई है। और जब कोई बच्चा, जब कोई बालक या जब कोई खिलाड़ी अगर कुछ नया इतिहास रचता है या उस इतिहास का हिस्सा बनता है, तो सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है उस माँ की होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे ये जो मेसी हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड कप उसको किस किया था और उनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है। ये पूरे जो जश्न है, और चूंकि फुटबॉल यूरोप के नस नस में बसता है और इस पूरे विश्व कप में मोरक्को ने हालांकि एक नया इतिहास रचा था, पहली अफ्रीकी टीम बनी थी, लेकिन आज का तो पूरा दौर अर्जेंटीना को गया है। न्यूज, यूरोपियन न्यूज इससे भरे हुए हैं, इससे उनके जो चैनल हैं उस पर कल एक ही चर्चा है, वो है अर्जेंटीना की है। ये जो टीम जश्न मना रही है, बीच में लियोनल मेसी है, उनकी पूरी टीम है, और ये उनके कैरियर में शानदार विदाई है। और अर्जेंटीना की टीम ने लियोनल मेसी को शानदार विदाई दी है, विश्व कप के साथ विदाई दी है। और हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो जब वो विदा हो तो जो उसकी टॉप ट्रॉफी है वो उसके पास होनी चाहिए, वो उस टीम का हिस्सा होना चाहिए, और लियोनल मेसी के भाग्य में ये आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फाइनल हुआ था वो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, और अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को पराजित कर दिया है। इसके अन्य तथ्य, अर्जेंटीना का या और जो 32 टीमें थी उसका पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री की मैं वीडियो 2 दिन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि यहां से कोई सा भी प्रश्न आपको अगर मिलता है तो आप उसे हल कर लें। इसी के साथ मैं बिता लेता हूं, रजा लेता हूं, नई वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।